Hello kids, welcome back. This is Mentor Neetu. Now we are doing Cyber Creators Computer Book by Brain Root, Class 5. So today we are doing Chapter Number 7, Advanced Features of Scratch 3. जैसे आप अपनी फोर्थ क्लास में यू हैव लर्नड अबाउट स्क्रैच, अब हम उसके थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, सेंसिंग कैटेगरी, कंडीशनल ब्लॉक्स, लूपिंग ब्लॉक्स, वेरिएबल्स कैटेगरी एंड ऑपरेटर्स कैटेगरी, राइट? सो बिफोर वी बिगिन दिस, label the figure given below. So here some boxes you can see, we can fill it. Like this is the green flag, so it means go button. Iski help se jo hamara sprite hai wo kya karega, move karega. And this is the red button, it is used stop button. Okay, it is used as stop button. और ये क्या है हमारा डिफॉल्ट स्प्राइट कैट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेज, ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस एरिया इज स्क्रिप्ट एरिया, जहां पे हम अपनी कोडिंग अपनी स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं, दिस इज द स्क्रिप्ट एरिया, राइट? एंड दीज आर व्हाट, दिस इज द ब्लॉक पैलेट, और ये हमारा जो है साथ में ये क्या है, ब्लॉक पैनल, जहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स दिखाई देंगे, राइट? और ये हमारा जो लास्ट में बटन है, ये दिस इज एड एक्सटेंशंस, हमें कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी है तो वी कैन यूज दिस बटन. यू हैव डन इन योर फोर्थ क्लास, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो नाउ let's start. A Scratch is a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animations, games, music and art. एक simple language है जिसकी help से आप अपनी games create कर सकते हैं, अपना music बना सकते हैं, अपनी art बना सकते हैं, अपनी art gallery बना सकते हैं, animations like cartoon आप देखते हैं, there are so many cartoon show on the TV, on the phone, तो ये सब क्या है, these all are animations. तो nowadays this is very important. Means आपके अगर आप करियर भी इसमें बनाना चाहें, अभी तो आप बहुत स्मॉल बच्चे हैं, लेकिन इसमें जो करियर है इट इज वेरी गुड, वेरी ब्राइट फ्यूचर, राइट? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, तो उसके साथ साथ दिस फीचर इज वेरी यूजफुल एंड असेंशियल यू कैन से. It is a computer application which you can use to give instructions that the computer understands. इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे जो समझ सके. The sequence of instructions given to a computer is called a program. जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे that is a program. In Scratch, a program is saved as a project. जो प्रोग्राम है वो हमारा एज अ प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा. यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स इन द स्क्रिप्ट एरिया टू क्रिएट योर कोड और स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट एरिया आई हैव शोन यू, वहां पे हम ड्रैग कर सकते हैं ब्लॉक्स को, ड्रॉप कर सकते हैं, फिर हम अपना कोड हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको वहां पर हम प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पे जो डिपेंड करती है कोडिंग, ओके, जो स्क्रिप्ट ब्लॉक्स पे डिपेंड करती है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बेस्ड कोडिंग. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, अब उसमें किस टाइप के ब्लॉक्स हैं स्क्रैच में, देर आर सिक्स ब्लॉक शेप्स, लेट अस लर्न अबाउट देम. द फर्स्ट इज हैट ब्लॉक्स. इसका जो सिंबल है यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, अपने माइंड में आपको रखना है कि हैट ब्लॉक का सिंबल क्या है. इसके अंदर आपके पास क्या है, व्हेन फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड. सो दीज ब्लॉक्स हैव अ नोच ओनली एट द बॉटम ऑफ द शेप, देयरफॉर सच ब्लॉक्स आर मोस्टली यूज्ड टू स्टार्ट अ स्क्रिप्ट. इन ब्लॉक की हेल्प से हम स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे फ्लैग है ग्रीन
और इसका मतलब भी यू नो वेरी वेल, गो बटन. सो देर आर 11 हैट ब्लॉक्स इन इवेंट्स कंट्रोल एंड मोर ब्लॉक्स कैटेगरी. इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 11, जो डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे, इवेंट्स में, कंट्रोल एंड मोर ब्लॉक्स में. राइट, नाउ स्टैक ब्लॉक्स. दीज ब्लॉक्स हैव द मोस्ट कॉमन शेप. दीज आर 77 इन नंबर. आप स्टैक ब्लॉक की शेप देखो, इसमें ब्लू कलर है, यहाँ पे मूव 10 स्टेप्स. और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर यानी जो हम ब्लॉक्स फिक्स करते हैं उसके लिए ये स्पेस बना हुआ है कि उसको फिक्सिंग कैसे करना है. राइट, सो दीज ब्लॉक हैव द मोस्ट कॉमन शेप. दीज आर 77 इन नंबर. दीज हैव अ नॉच बोथ एट द टॉप एंड बॉटम, इसके टॉप पे भी और इसके बॉटम पे भी, यानी हम फिक्स कर सकते हैं. विच मीन्स दैट अदर ब्लॉक्स कैन बी स्टैक्ड अबव एंड बिलो दीज. इट मीन्स हम ब्लॉक्स ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं, हम ब्लॉक्स नीचे से भी फिक्स कर सकते हैं. दीज ब्लॉक्स कैरी आउट द मेन कमांड इन स्क्रिप्ट. इन ब्लॉक्स की हेल्प से हम मेन कमांड को यूज करते हैं स्क्रिप्ट में. राइट, नाउ रिपोर्टर ब्लॉक्स, दिस इज ग्रीन इन कलर. इसमें गिवन है एब्स ऑफ लाइक दिस. दीज ब्लॉक्स कैन होल्ड न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वैल्यूज. यहाँ पे हम नंबर स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं. दीज कैन बी इंक्लूडेड वेयर एवर अ वैल्यू इज नीडेड. जहाँ पे हमें कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. इवन इनसाइड अनदर ब्लॉक देर आर 37 सच ब्लॉक्स इन स्क्रैच. ये 37 है. 77 कौन से हैं? स्टैक ब्लॉक्स. और हैट ब्लॉक्स कितने हैं? 11. 11 हैट ब्लॉक्स, 77 स्टैक ब्लॉक्स एंड दीज आर 37. फाइन, नाउ द नेक्स्ट इज बुलियन ब्लॉक्स. ये भी वैसे ग्रीन कलर में है लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है. यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सर्कल लाइक ओवल शेप एंड हेयर वन सर्कल. यहाँ पे एनी नंबर और बीच में क्या है? लेस देन साइन. सो दीज ब्लॉक रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इनकी हेल्प से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. देयर रिजल्टेंट वैल्यू इज ईदर येस और नो और ट्रू और फॉल्स. अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है जिसमें वैल्यू क्या है उसकी ट्रू है या फॉल्स है या फिर येस है या नो है, तो वी कैन यूज दीज ब्लॉक्स. देर आर 13 सच ब्लॉक्स इन स्क्रैच. तो इनके नंबर कितने हैं? 13. सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू. नाउ सी ब्लॉक्स. दीज ब्लॉक्स आर शेप लाइक सी. जैसे नाम है सी ब्लॉक, इनकी जो शेप है वो भी क्या है? सी जैसी है. These are also called wrap blocks as they contain wrap or other blocks. इनको हम wrap block भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? दूसरे blocks को भी अपने में wrap कर लेते हैं. There are 5 such blocks in the control category. ये किसके अंदर आएंगे? Control category में. C blocks enable the program to perform condition or loops. हमें कोई condition perform करनी है या loop perform करनी है तो विद द हेल्प ऑफ सी ब्लॉक्स. राइट, नाउ कैब ब्लॉक्स. कैब ब्लॉक्स लाइक दिस. यहाँ पे स्टॉप है, ऑल है. दीज ब्लॉक्स आर यूज टू एंड द स्क्रिप्ट. अगर हमें अब एंड करने है स्क्रिप्ट का तो वी कैन यूज कैब ब्लॉक्स. दीज हैव अ नॉच एट द टॉप एंड अ स्मूथ बॉटम दैट प्रिवेंट्स अटैचिंग अदर ब्लॉक्स आफ्टर इट. बिकॉज ये स्टॉप करने के लिए है, यानी इसके बाद हमें कोई और ब्लॉक इसमें एड नहीं करना, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऊपर एक नॉच दे रखा है, नीचे इट इज स्मूथ. राइट, सो द टू कैब ब्लॉक्स कैन बी फाउंड इन द कंट्रोल कैटेगरी. तो ये कंट्रोल कैटेगरी में आते हैं. एंड हाउ मैनी? 2. राइट, सी ब्लॉक्स कितने हैं? 5. वो किस कैटेगरी में है? वो भी कंट्रोल कैटेगरी में है. और कैब ब्लॉक्स भी किस में है? कंट्रोल कैटेगरी में है. एंड दीज आर 2. राइट, नाउ सेंसिंग कैटेगरी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिंग कैटेगरी. द सेंसिंग ब्लॉक पैलेट्स आर यूज टू सेंस द कीबोर्ड इनपुट वाइल एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट. सेंसिंग मीन्स ये डिटेक्ट करता है कि वो ब्लॉक्स कैसे वर्क कर रहे हैं, मीन्स उन पे एक नजर रखना. राइट, सो सम ऑफ द ब्लॉक्स इन द सेंसिंग कैटेगरी आर एज फॉलो. अब हम बात करते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स हैं सेंसिंग कैटेगरी में. These are the blocks. You can see blocks and their function.
राइट सो आपने इसको बड़े ही ध्यान से देखना है. द फर्स्ट वन इज आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट. अगर ये ब्लॉक है तो इसका क्या फंक्शन है, इसका वर्क क्या है. इट आस्क अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड स्टोर्स कीबोर्ड इनपुट इन द मेमोरी. इट कॉजेज द प्रोग्राम टू वेट अंटिल एंटर की इज प्रेस्ड और चेक मार्क इज क्लिक्ड. इसका क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन पुटअप करेगा जो भी हम इनपुट जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर ये स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में. ओके जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे ये आगे नहीं चलेगा. राइट नाउ टचिंग माउस पॉइंटर. दिस ब्लॉक इज लाइक दिस टचिंग माउस पॉइंटर. जैसे कि नाम से ही क्लियर है व्हाट इज इट्स फंक्शन. इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द स्प्राइट इज टचिंग अनदर स्प्राइट द एज ऑफ द स्टेज और द माउस पॉइंटर. इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि स्प्राइट कोई दूसरे स्प्राइट को टच तो नहीं कर रहा या पॉइंटर को टच तो नहीं कर रहा, तो इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं. सो इट इवेल्युएट्स टू ट्रू, ये हमें कंडीशन दे देगा, ये हमें डिटेक्ट करके बता देगा. जब इसका काम ही सेंसिंग है, मीन सेंस करना, डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना कि जो गिवन स्प्राइट है वो किसी अदर स्प्राइट को टच तो नहीं कर रहा या फिर किसी माउस बटन को टच तो नहीं कर रहा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक. राइट नाउ द नेक्स्ट इज टचिंग कलर. अब जैसे नाम से क्लियर है टचिंग कलर, इट रिपोर्ट्स ट्रू इफ स्प्राइट इज टचिंग द स्पेसिफाइड कलर. अगर स्प्राइट कोई कलर को टच कर रहा है तो ये हमें रिपोर्ट कर देगा ट्रू में. राइट नाउ द नेक्स्ट इज कलर इज टचिंग मीन्स वन कलर लाइक ग्रीन ओवर हेयर एंड वन इज हेयर पर्पल मीन्स वन कलर इज टचिंग द अदर कलर. इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ अ सैंपल ऑफ द फर्स्ट कलर इज टचिंग अ सैंपल ऑफ द सेकेंड कलर. ये भी हमें ट्रू बता देगा अगर कोई एक कलर का सैंपल दूसरे कलर को टच करता है. राइट नाउ द लास्ट इज की स्पेस प्रेस्ड. इट इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ द स्पेसिफाइड की इज प्रेस्ड बाय द यूजर. ओके हमने कोई की प्रेस की है तो ये हमें बता देगा उसके बारे में. तो एवरीथिंग इट डिटेक्ट्स, दैट्स व्हाई दीज ब्लॉक्स आर अंडर सेंसिंग कैटेगरी. ओके सेंसिंग का सेंस करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना कि उनकी वर्किंग क्या है और वो कैसे कर रहे हैं. राइट सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ लेट अस बिल्ड अ स्मॉल ब्लॉक यूजिंग द सेंसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट इट. अब हम एक ब्लॉक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग कैटेगरी ब्लॉक्स. द फर्स्ट वन ड्रैग द फॉलोइंग ब्लॉक्स. जो हमने अभी ब्लॉक्स के बारे में किया है जिनके फंक्शन सेंसिंग कैटेगरी के ब्लॉक्स जो हैं उनको हम ड्रैग कर देंगे ब्लॉक पैलेट से. यहाँ पे सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हैं तो हम उनको ड्रैग कर देंगे. लाइक व्हेन दिस क्लिक आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट देन लाइक दिस. ओके देन सेकेंड टाइप योर नेम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन द आंसर बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की. जब वो क्वेश्चन पुटअप करेगा व्हाट्स योर नेम, तो आपने अपना नेम टाइप करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्राइट के पास आ जाएगा व्हाट्स योर नेम. ओके जैसे यहाँ पे हम अपना आंसर दे देंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे. किस ब्लॉक के बाद, इसमें तो ये स्टार्ट हो जाएगा व्हेन यू क्लिक दिस वन. देन ask what's your name and wait, तो आपने टाइप करना है अपना नेम और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा what's your name. आप टाइप करेंगे नेम then you will press the enter key, right? Then third type the age with the help of keyboard in the answer box and press the enter key like what's your age. Next question है तो हम उसमें अपनी एज टाइप कर देंगे एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे एंटर की को प्रेस कर देंगे. तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं वो स्प्राइट आपसे पुटअप करेगा, ऐसे डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा बबल्स में. जैसे अब तो हम
बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। पहले टाइम में कॉमिक्स आते थे लाइक चाचा चौधरी, पिंकी, उसमें ऐसे ही कार्टून्स थे और ऐसे ही बबल, मींस लाइक दिस इज आस्किंग समथिंग, तो इसके ऊपर बबल बना देते थे। तो दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग। अब दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टीवी, फोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो वो चीज़ जो बुक्स का है वो थोड़ा सा कम हो गया, बट एनीवेज वी आर एंजॉइंग दिस पीरियड। सो लेट्स सी, नेक्स्ट इज कंडीशनल ब्लॉक्स। अभी हमने बात किए थे सेंसिंग ब्लॉक्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कंडीशनल ब्लॉक्स की। मेनी टाइम्स यू हैव टू डू अ टास्क विच इज डिपेंडेंट ऑन सम कंडीशन, जैसे नाम है कंडीशनल ब्लॉक, यानी किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब भी हम कोई कभी भी कुछ ऐसा टास्क होता है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, देर आर टू कंडीशंस। अगर हमें चेक करना है एक नंबर इवन है या ऑड है, तो उसकी दो कंडीशन है। द फर्स्ट वन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन इट इज इवन, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय टू देन इट इज ऑड, वी नो वेरी वेल। सो हेयर द कंडीशन इज द डिविजिबिलिटी ऑफ टू, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन टू वेज। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लाइक कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में आप कह सकते हैं, द फर्स्ट वन इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन द नंबर इज इवन, हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं। एंड द सेकेंड वे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। हम यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, वो भी हमें समझ आ जाएगा, और हम उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज देन एंड एल्स, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय टू देन इट इज इवन, अदरवाइज और एल्स इट इज ऑड, राइट। तो ऐसे ही कंडीशनल ब्लॉक्स हैं हमारे पास। सो इन सच सिचुएशंस वी यूज कंडीशनल ब्लॉक्स। स्क्रैच हैज टू कंडीशनल ब्लॉक्स, दे आर द फर्स्ट वन इज इफ देन, इसमें मेंशन है इफ देन, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है दिस ब्लॉक, इफ देन, राइट। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द ब्लॉक्स इनसाइड द इफ देन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द ब्लॉक्स इनसाइड द इफ देन ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट and the blocks following it will execute. अगर condition true होगी तो ये block जो है execute हो जाएगा, otherwise अगर condition false होगी तो ये block execute नहीं होगा, इसके जो next block होगा वो अपने आप automatically आ जाएगा, right? The second is if then else, ये second condition के according है if then and else. If the condition is true, the blocks in the first space will execute. If the condition is false, the blocks in the second space will execute. Okay? So, I hope it's clear to you. Now, looping blocks. In computer programming, a loop is a set of blocks or statements that will execute repeatedly until a condition is true. Loop means a chain. ब्लॉक्स की चेन चलती जाएगी, सेट ऑफ ब्लॉक्स अपीयर होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो वंस अगेन सी इट, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सेट ऑफ ब्लॉक्स और स्टेटमेंट्स दैट विल एग्जीक्यूट रिपीटली अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए वो लूप्स क्या है चलते जाएंगे। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप्स, जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी लूप्स भी वहां पे रुक जाएंगे। ओके, सो देर आर थ्री लूपिंग ब्लॉक्स इन स्क्रैच। ओके, तो ऐसे इसमें थ्री लूपिंग ब्लॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। द फर्स्ट वन इज लाइक दिस, रिपीट 10। द रिपीट ब्लॉक रिपीट्स एन एक्शन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। हम यहां पे नंबर 10 कुछ भी आ सकता है, आप अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोग्रामिंग आप नंबर दे सकते हैं, जितने आप नंबर एंटर करेंगे, जो भी आप नंबर एंटर करेंगे
उतनी बार वो ब्लॉक क्या होगा, रिपीट होगा. द रिपीट ब्लॉक रिपीट्स एन एक्शन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. रिपीट अंटिल, द रिपीट अंटिल ब्लॉक इज यूज टू रन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, इसमें क्या होगा, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक वो ब्लॉक्स रिपीट होते जाएंगे. रिपीट अंटिल, राइट. ओके, द नेक्स्ट इज रिपीट फॉर एवर, मीन्स ओनली फॉर एवर इज गिवन ओवर हेयर. फॉर एवर मीन्स हमेशा. द फॉर एवर ब्लॉक रिपीट्स एन एक्शन इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट अनलिमिटेड. द इंस्ट्रक्शन इन साइड दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ लूप अंटिल द स्टॉप बटन इज क्लिक्ड बाय द यूजर. जब तक हम स्टॉप बटन नहीं प्रेस करेंगे इसमें लूप्स जो है, जो ब्लॉक्स हैं वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे. तो आपने थ्री ब्लॉक्स किए, रिपीट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप रिपीट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. देन द सेकेंड इज रिपीट अंटिल, जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी ब्लॉक्स चलते जाएंगे. एंड रिपीट फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स इनफाइनाइटली, ओके, अनलिमिटेड टाइम्स वो ब्लॉक चलते जाएंगे जब तक आप स्टॉप बटन को प्रेस नहीं करेंगे. सो लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट. द फर्स्ट क्रिएट अ सीन गिवन बिलो, जैसे कि सीन है हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच. ओके, नाउ सेकेंड, ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट. फिर हमने क्या किया, जो हमारा ब्लॉक पैलेट है वहां से हमने ब्लॉक्स को ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया. ओके, स्क्रिप्ट एरिया में, राइट. तो आपके पास जैसे इन्होंने क्या किया है, लाइक व्हेन दिस क्लिक मींस स्टार्ट, फिर फॉर एवर वाला, राइट, देन टचिंग वाला, सेंसिंग कैटेगरी वाला, देन हेयर चेंज इफेक्ट और टर्न डिग्री. सो देर आर सो मैनी ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू आर एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू आर स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू आर कोडिंग. तो हम उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं, फाइन. तो जो भी आप इफेक्ट डालेंगे वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे. नाउ लेट अस डू, देर आर सम ब्लॉक्स गिवन ओवर हियर, लाइक रिपीट अंटिल and ask what's your name and weight, touching color, key space pressed, if then, so we can write about their uses, we have done, so you can try on your own. Now variables category, in Scratch the variables block allows you to create variables and use them in a program. A variable can be created such that only one of the sprites can use it or all sprites can use a variable. जैसे कि नाम से clear है variable, तो variable means variable like letters, alphabets, जो हम maths में भी करते हैं, algebra में, अगर आपने fourth class में भी किया होगा, अब आप higher classes में भी करेंगे. So अ वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड, हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि उसको एक स्प्राइट यूज कर सकते हैं या फिर और भी स्प्राइट्स उसको यूज कर सकते हैं. तो यूजर पे डिपेंड करता है. नाउ अ वेरिएबल इज अ प्लेस होल्डर इन स्क्रैच मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर अ चेंजिंग वैल्यू. द वेरिएबल कैन स्टोर नंबर्स और स्ट्रिंग. तो यहाँ पे हम वेरिएबल की हेल्प से नंबर और स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं, like letters, words or sentences in computer language. So some of the blocks in the variable category, तो कुछ blocks हैं, see these are the blocks given over here, और ये क्या है हमारे function. So let's see, the first one is my variable. If we select the checkbox, the block appears on the stage displaying the current value of the variable. जो आप करंट वैल्यू यूज कर रहे हैं माई वेरिएबल, वही वैल्यू आपको शो करेगा. ओके, द नेक्स्ट इज सेट माई वेरिएबल टू, लाइक दिस अ नंबर इज गिवन ओवर हियर, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय द स्पेसिफाइड वैल्यू. सपोज हमने करंट वैल्यू को चेंज करना है तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को टाइप, उस नंबर जो भी है उसे टाइप कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, जो हमारी करंट वैल्यू है,
राइट। नाउ चेंज, द नेक्स्ट इज चेंज माई वेरिएबल बाय, अब यहाँ पे बाय है, बाय नंबर ओवर हियर गिवन, इट चेंजेस अ वैल्यू दैट इज असाइन टू द वेरिएबल। अब ये भी चेंज कर देता है वैल्यू को जो भी हम असाइन करेंगे। ओके, शो वेरिएबल माय वेरिएबल, इट शोज द वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू ऑन द स्टेज, वेरिएबल शो करेगा और उसकी वैल्यू स्टेज पर। नाउ हाइड वेरिएबल माय वेरिएबल, इट हाइड्स द वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू ऑन द स्टेज, ये शो करने के लिए यूज होता है, ये उसको छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, राइट। सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू। माय वेरिएबल, सेट माय वेरिएबल टू अ स्पेसिफाइड नंबर, चेंज माय वेरिएबल बाय अ स्पेसिफाइड नंबर, शो वेरिएबल उसको शो कर देगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा स्टेज पर, हाइड वेरिएबल उसकी वैल्यू हाइड कर देगा, राइट। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल फॉलो दीज स्टेप्स, क्लिक ऑन द वेरिएबल ब्लॉक। अब हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल ब्लॉक पे, देन क्लिक ऑन द मेक अ वेरिएबल ऑप्शन इन द ब्लॉक पैलेट। तो ब्लॉक पैलेट में एक ऑप्शन होगी मेक अ वेरिएबल, वहां पे हम क्लिक कर देंगे, दिस इज वेरिएबल के नीचे आ गया मेक अ वेरिएबल, आपने यहां पे क्लिक करना है। ओके, देन द थर्ड स्टेप इज अ न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल इन द न्यू वेरिएबल नेम टेक्स्ट बॉक्स। आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने मेक अ वेरिएबल पे क्लिक किया तो एक आ जाएगा न्यू वेरिएबल डायलॉग बॉक्स, राइट, और उसमें आपने जो भी फीड करना है, जो भी टाइप करना है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं। ओके, सो देन द फोर्थ वन, सेलेक्ट द एनी ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर ऑल स्प्राइट्स, इट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल दैट ऑल स्प्राइट्स कैन सी, या तो सारे स्प्राइट्स के लिए, और फॉर दिस स्प्राइट ओनली इट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल दैट ओनली दिस स्प्राइट कैन सी। ओके, या हम फॉर ऑल स्प्राइट्स वी कैन यूज दैट वेरिएबल और ओनली फॉर वन स्प्राइट। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपके पास देखो ये यहाँ पर जो है हमारा, ये इस एरिया में, दिस इज स्क्रिप्ट एरिया, यहाँ पे स्टेज में ये सब आता जाएगा। ओके, यहाँ पे बॉल है, स्प्राइट बॉल है। ओके, नाउ फिफ्थ इज क्लिक ऑन ओके बटन। तो हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वेरिएबल बॉक्स आ रहा है जिसमें हमने क्या टाइप किया है, जिसमें हमने मार्क्स टाइप किया है, और नीचे ऑप्शंस आ गई फॉर ऑल स्प्राइट्स एंड फॉर दिस स्प्राइट ओनली। तो हमने इसमें फॉर ऑल स्प्राइट यूज किया है एंड देन ओके, फाइन। सो यू कैन सी वेरिएबल विल अपियर इन द ब्लॉक्स पैलेट ऑफ वेरिएबल ब्लॉक्स। आप देखेंगे ब्लॉक पैलेट में जो आपने वेरिएबल मार्क किया था, जो आपने टाइप किया था, इट विल अपियर लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ गया आपका, फाइन। नाउ असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल, अब हम कोई वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल को, लेट अस असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल, क्रिएट अ सीन गिवन बिलो एंड क्रिएट द वेरिएबल्स नेम एंड एज। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, एक सीन हमने क्रिएट किया अपने स्क्रैच की हेल्प से, लाइक दिस, दिस इज द सीन। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल नेम क्रिएट करेंगे और एज। तो आपने वैसे सेम स्टेप्स वेरिएबल ग्रुप में जाके, वेरिएबल ब्लॉक्स में जाके आपने क्रिएट करना है वेरिएबल, लाइक हेयर एज एंड नेम इज गिवन ओवर हेयर, फाइन। देन ये स्प्राइट आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपने नेम और एज किया है, इट इज कमिंग हेयर। जैसे लास्ट में मार्क्स आ रहा था, हमने मार्क्स क्रिएट किया था, तो इट इज ऑन द स्क्रीन। ऐसे इस सीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेम एंड एज, फाइन। सो
The second one, drag and drop the following blocks and observe the result. अब हमने क्या किया है, ब्लॉक्स को ड्रैग कर लिया, ड्रॉप कर दिया. कौन कौन से ब्लॉक्स को हमने किया इसमें, व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, जब भी हमें स्टार्ट करना है, आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट, से आंसर फॉर 2 seconds, देन सेट नेम टू आंसर, देन आस्क व्हाट्स योर एज एंड वेट, क्योंकि हमें इसमें दो क्वेश्चन है नेम एंड एज के. तो पहले हमने क्वेश्चन पुटअप किया व्हाट्स योर नेम, फिर हम वेट करेंगे आंसर के लिए, देन वी विल आस्क द एज, देन वी विल वेट फॉर द आंसर, ओके एंड सेट एज, राइट. सो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्प्राइट ऐसे ही है और यहाँ पे भी नेम और एज की वैल्यू अभी गिवन नहीं है, अभी हमने सेट की है. तो लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ थर्ड स्टेप, टाइप योर नेम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इन द आंसर बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की. हमने अपना नेम टाइप किया, ओके एंड एंटर की प्रेस की. जब आपने क्वेश्चन पुटअप किया था, जब अपने ब्लॉक लेके आए थे व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पे स्प्राइट ऐसे शो करेगा, ओके. अब यहाँ पे हमने नेम टाइप कर दिया, तो नेक्स्ट में क्या हमें शो करेगा, नेम रिया, ओके. नाउ व्हाट्स योर एज, तो क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट्स योर एज, फिर हम एज टाइप कर देंगे यहाँ पर एंड देन प्रेस द एंटर की. तो हमारे पास नेक्स्ट में नेम भी आ जाएगा और एज भी आ जाएगी, फाइन. नाउ ऑपरेटर्स कैटेगरी, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लस साइन इज एन ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट्स एडिशन. द ऑपरेटर्स ब्लॉक इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन. ऑपरेटर्स जो हम मैथ्स में भी यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन. द सेम वे द ऑपरेटर्स ब्लॉक इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशंस. ब्लॉक्स इन ऑपरेटर्स ब्लॉक पैलेट आर लाइट ग्रीन इन कलर. ये कौन से कलर में होते हैं, लाइट ग्रीन में. एंड सम ऑफ द ब्लॉक्स इन द ऑपरेटर्स कैटेगरी आर एज फॉलो. दीज आर द ब्लॉक्स हियर. सबकी शेप सेम ही है. इसमें क्या है, प्लस साइन, इट परफॉर्म्स एडिशन. इसका क्या फंक्शन है, ये एडिशन परफॉर्म करता है. जब भी हमें एडिशन करना है तो हम इस ब्लॉक को चूज करेंगे. देन दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, इट परफॉर्म्स सब्ट्रैक्शन. जब भी हमें दो नंबर्स को माइनस करना है तो हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन. देन हेयर दिस मल्टीप्लाई, इट परफॉर्म्स मल्टीप्लीकेशन. एंड दिस इज स्लैश गिवन है, मीन्स डिवीजन, इट परफॉर्म्स डिवीजन. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी. नाउ द नेक्स्ट इज पिक रैंडम 1 to 10. इट रैंडमली चूजेज अ नंबर विद इन द स्पेसिफाइड नंबर्स. हमें सपोज नंबर्स चूज करने हैं तो हम यहाँ पे इस ब्लॉक को यूज करेंगे. कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, वी कैन डिसाइड ऑन आर ओन. देन द नेक्स्ट इज, अब शेप थोड़ी चेंज हो गई है, ओके. सो इट टेस्ट फॉर द ग्रेटर देन कंडीशन. इसमें क्या है, एक ब्लॉक है, एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, लाइक हियर 50 गिवन, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है. सो इट टेस्ट फॉर द ग्रेटर देन कंडीशन. ऐसे यहाँ पे क्या है, लेस देन साइन आ गया, इट टेस्ट फॉर लेस देन कंडीशन. अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इट टेस्ट फॉर द इक्वल टू कंडीशन. अब यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में एंड है, इट शोज द रिजल्ट ट्रू ओनली इफ द टू एक्सप्रेशंस आर ट्रू. यानी यहाँ पे दो कंडीशंस कह लो, दो एक्सप्रेशंस कुछ भी गिवन होंगे, अगर वो दोनों के दोनों ट्रू हैं देन ये रिजल्ट शो करेगा. इट शोज द रिजल्ट ट्रू ओनली इफ द टू एक्सप्रेशंस आर ट्रू, ओके. और इसमें क्या है, और है, दो एक्सप्रेशन है और है. सो इट शोज द रिजल्ट ट्रू ओनली इफ ईदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू. अब
और का मतलब क्या है या, अगर उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ट्रू है देन इट शोज अ रिजल्ट ट्रू एंड दिस ब्लॉक नॉट इट शोज अ रिजल्ट ट्रू ओनली इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स. अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट दिखाएगा ट्रू. ओके नाउ जॉइन एप्पल बनाना इट कंबाइंस द स्ट्रिंग्स. कोई भी हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हमें उन्हें कंबाइन करना है तो जॉइन मीन्स इट कंबाइंस द स्ट्रिंग्स. नाउ लेटर लाइक वन ऑफ एप्पल इट रिपोर्ट्स द लेटर एट द स्पेसिफाइड पोजिशन इन अ स्ट्रिंग. नाउ हेयर लेंथ ऑफ लाइक हेयर एप्पल गिवन इट रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ स्ट्रिंग. लेंथ मीन्स वो कितना लॉन्ग है, उसकी कितनी लेंथ है, उसमें कितने लेटर्स हैं. राइट सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. देयर आर सो मेनी ग्रीन ब्लॉक्स वी कैन यूज ऑपरेटर ब्लॉक्स. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. दीज आर ऑपरेटर ब्लॉक्स. नाउ लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट गिवन बिलो. सपोज हमने एक ऐसे सीन क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच. द फर्स्ट वन ड्रैग एंड ड्रॉप द ब्लॉक्स गिवन बिलो. अब हमने क्या किया है, यहाँ से हमने ब्लॉक पैलेट से ब्लॉक्स ड्रैग किए. द फर्स्ट वन इज ऑलवेज दिस व्हेन क्लिक्ड आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट से आंसर फॉर 2 seconds एंड सेट नेम टू आंसर देन से join hello name for 10 seconds. हमने join वाला यूज कर लिया join hello name. ओके हमने ब्लॉक्स यहाँ से ड्रैग किए हैं. जो भी हमें अपनी क्रिएटिविटी करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक्स सेलेक्ट किए. नाउ वी कैन सी व्हाट आर द चेंजेस इन द सीन. तो यहाँ पे आपको ये स्प्राइट शो कर रहे हैं लाइक दिस. ओके और यहाँ पे जब आपने बोला व्हाट्स योर नेम तो दिस इज आस्किंग व्हाट्स योर नेम. ओके देन हेयर वी कैन टाइप. यहाँ पे आ जाएगा अभी नेम हमने पूछा है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि नेम अभी 0 है. ओके नाउ वी आर टाइपिंग जैमी. देन यहाँ पे आ जाएगा नेम जैमी. जब हमने टाइप कर दिया एंटर कर दिया नाउ स्क्रीन पे आ जाएगा नेम जैमी. ओके देन दे आर सेइंग जॉइन हेलो नेम फॉर 10 seconds. यानी हेलो के साथ जो हमने नेम सेलेक्ट किया उन दोनों को जॉइन कर दो. यानी ही सेइंग हेलो जैमी. ओके आपने कोई भी वर्ड्स और भी कुछ ऐड करना है तो पहले आपको ऐड करना पड़ेगा व्हाट्स योर नेम के अकॉर्डिंग. ठीक है जो हम टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा और जिनको भी ज्वाइन करना है वो हम यहाँ पे कमांड दे देंगे, ब्लॉक दे देंगे लाइक से ज्वाइन हेलो नेम फॉर 10 seconds. यानी उन दोनों को हमें ज्वाइन करना है विद द से ब्लॉक. तो यहाँ पे हेलो जैमी. ओके सो लाइक दिस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बट जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे यू विल गेट इट मोर. इसके लिए हमें प्रैक्टिकली करना ज़्यादा ज़रूरी है. पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए ब्लॉक्स, हम कौन से ब्लॉक्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन ब्लॉक्स जो हैं या सेंसिंग ब्लॉक्स है हमें कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कंडीशनल ब्लॉक्स हैं, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग अपनी क्रिएटिविटी हम उसमें कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल नाउ डेज. ओके सो नाउ कंप्यूटर मैनर्स. डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर. द सेकेंड वन ऑलवेज क्लीन योर कंप्यूटर विद अ सॉफ्ट एंड ड्राई कॉटन क्लॉथ. डू नॉट यूज अ वेट क्लॉथ एज इट मे डैमेज योर कंप्यूटर. नाउ लेट अस रिमाइंड. अब हम रिमाइंड करते हैं कि हमने क्या किया इस चैप्टर में. सो स्क्रैच इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट लेट्स यू क्रिएट योर ओन इंटरेक्टिव स्टोरीज, animations, games, music and art. If the condition is true, the blocks inside the if then block will execute. If the condition is false, the block inside the if then block will not execute and the blocks following it will execute.
If the condition is true, the blocks in the first space will execute. If the condition is false, the blocks in the second space will execute. Now, in computer programming, a loop is a set of blocks or statements that will execute repeatedly until a condition is true. Loop means set of blocks. वो चलते जाएंगे जब तक condition true नहीं होगी. When the condition becomes false, the loop execution stops. The repeat block repeats an action a specified number of times. The repeat until block is used to run a set of instructions till a condition is satisfied. Repeat until. The forever block repeats an action infinitely. The instruction inside this block will be executed in a loop until the stop button is clicked by the user. A variable is a placeholder in Scratch memory that is used to store a changing value. The variables can store numbers or strings, any letters, words or sentences in computer language. I hope it's clear to you. So now come to the exercise. Check yourself. The first one, take the correct option. Now fifth one, dash evaluates to true if a sample of the first color is touching a sample of the second color. So that is B option, one color is touching the other one. Okay, now B part, filling the blanks. The first one, the dash block palettes are used to sense the keyboard input while executing the script. So that those are sensing blocks. जो check करेंगे, detect करेंगे, okay? Sensing blocks. Second one, there are dash looping blocks in Scratch. कितने conditional हैं, कितने loops हैं? 3. The third one, the two cap blocks can be found in control. वो क्या करते हैं? Control category. Now, fourth one, a dash is a placeholder in Scratch memory that is used to store a changing value, that is a variable. And the fifth one, the dash block used to solve, that is operator's block. Okay? Used to solve mathematical equation. Now, see, right, true or false? The first one, blocks in operators block palette are light green in color. Yes, true. The second one, this letter 1 of apple reports the number of letters. No, wo length aayega usme, theek hai? So this is false. The third one, my variable changes the value of the variable. No, it doesn't change the value, it shows the current value. So this is also false. The fourth one, touching color reports to you if sprite is touching the specified color. Yes, this is true. And the fifth one, C blocks are also called wrap blocks as they contain other blocks. Yes, this is also true. I hope it's clear to you. Now the next is match the column. Here column A and column B. आप देख सकते हैं सम पिक्चर्स गिवन ओवर हियर, सम ब्लॉक्स और हमें मैच करना है. द फर्स्ट वन इज व्हाट? द फर्स्ट वन इज, इट इज ऑपरेटर ब्लॉक. तो ये किसके अंडर आएगा आपका? इट इज अंडर बूलियन ब्लॉक, राइट? सो दिस इज बी, बूलियन ब्लॉक. द सेकेंड वन, फॉर एवर कंट्रोल कंडीशन, इट इज अंडर सी ब्लॉक यानी डी. Okay, and the third one, when this green flag click, ये हम किस में करेंगे? Starting में, यानी hack blocks used to start the programming. So this is A. And the fourth one, abs of this, ये क्या है आपका? Operator में, तो ये आपका किस में आएगा? These are reporter blocks. And the fifth one, move 10 steps, ये किस में आएगा आपका? Stack block. So this is C and this is E, right? So I hope it's clear to you. Now E part, answer these question
name the different types of blocks available in Scratch. तो आपके पास कौन कौन से हैं? These are hat, boolean, C block, okay, and stack blocks and cap blocks, okay. So you can write the name. Then what is the use of this block? Ask what's your name and weight. इस ब्लॉक के थ्रू हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में. जैसे भी आपने यूज किया था उसमें स्प्राइट के ऊपर बबल आ जाता है व्हाट्स योर नेम ओके या व्हाट्स योर एज. सो इस ब्लॉक की हेल्प से वी कैन आस्क द क्वेश्चन और इट इज यूज्ड टू हेल्प इन स्टोरिंग दैट इनपुट इन द कंप्यूटर मेमोरी. और ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे. राइट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ पिक रैंडम 1 to 10 ब्लॉक. Now, E part, answer the following question. The first one, name the different types of blocks available in Scratch. So, hat blocks, boolean blocks, stack blocks, C blocks, reporter block, cap blocks. Okay, what is the use of this? Second question, what is the use of ask what's your name and weight? So, this is a stack block. It is available in stack block. So, ye kya karta hai? Ye question put up karta hai. और उसको स्टोर करता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में एंड इट कॉजेज द प्रोग्राम टू वेट अंटिल द एंटर की इज प्रेस्ड. ओके, प्रोग्रामिंग जब तब तक रुकी रहेगी जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे. राइट, सो नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्लॉक. दिस ब्लॉक इज अ ऑपरेटर ब्लॉक. ये ऑपरेशन में काम आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में. विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लॉक वी कैन पिक रेंडमली एनी नंबर स्पेसिफाइड विद इन द रेंज. जो भी हमें रेंज हमें नंबर्स कुछ सेलेक्ट करने हैं हम उसकी रेंज इसमें टाइप कर सकते हैं एंड देन वी कैन सेलेक्ट इट. नाउ डिफाइन वेरिएबल्स. वेरिएबल जो है दे आर यूज इन वेरिएबल ब्लॉक. वेरिएबल ब्लॉक की हेल्प से हम कोई वेरिएबल टाइप कर सकते हैं कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं. और वेरिएबल में हम क्या करते हैं, वेरिएबल इट टेक्स अ नंबर अ लेटर और स्ट्रिंग. ठीक है, जो हम किस में अपने स्टोर करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी में. राइट, एंड व्हाट आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या हैं, दीज आर अवेलेबल इन ऑपरेटर ब्लॉक्स. इनकी हेल्प से हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. दे आर ग्रीन इन कलर सो वी कैन डू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन. और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं, जैसे इसमें है कुछ रेंज सेलेक्ट करनी है. सो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दी. सो यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. उसको पहले समझना है देन यू कैन राइट इट ईजली. सो गो थ्रू दिस चैप्टर. एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे उसको पढ़ेंगे समझेंगे इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.